हेलो फ्रेंड्स, गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी तो मैं आपको बताना सिखा ही चुकी हूँ। अब मैं आपको पानी बनाना बताऊँगी। उसके लिए मैंने पुदीना लिया है। आप इसके साथ थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी अदरक चाहिए और कच्ची आमी चाहिए। आपके पास अगर आमी नहीं है तो आप इमली का यूज़ कर सकते हो, नींबू भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आमी को छील के और इसे बारीक काट के अच्छे से इसे मिक्सर से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे। ये देखिए पुदीना और आमी, जो भी सामान मैंने बताया था सारा मैंने पीस के रखा हुआ है। अब हम पानी के लिए एक बर्तन में पानी डालेंगे। इसको चटनी किसे हुए पेस्ट को हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। देखिए हमने थोड़ा नमक डाला है। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और हींग का, मैंने जीरे और हींग का पेस्ट पहले पीस के रख लिया था, उसको मिलाना है। अगर आपके पास पानी पूरी मसाला है तो आपको ये मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो चीज़ आमी और पुदीने का जो पेस्ट बनाया था उसी में ही आपको पानी पूरी मसाला ऐड कर देना है, बस आपका पानी जो है तैयार हो जाएगा। अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए पानी हमने छान लिया है। अब हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे। आपके पास अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बूंदी ऐड करेंगे। ये हमारा पानी पूरी के लिए पानी बनके तैयार है। और ये हमने मीठी सूट बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले टिक्की की रेसिपी में बता चुकी हूँ, मीठी सूट बनाने की रेसिपी। ये मीठी सूट है। ये देखिए ये गोलगप्पे हैं। अब आप गोलगप्पों में पानी भरिए और खाइए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा।